So in our last session we thought something about the foundation. और पिछले सेशन में हमने जैसे देखा नींव के बारे में, especially repentance. और खासकर मन फिराने के बारे में. And to whom does God give grace? और किस व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह देता है? When we think of the word which we saw, God resists the proud but he gives grace to the humble. और जैसे इस वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. We can look at it like this. और हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं. That if I am humble, God will come behind me and push me forward or keep lifting me up. और अगर मैं नम्र और दीन हूँ, परमेश्वर पीछे से मुझे आगे बढ़ाता जाएगा. Or lift me up. और मुझे ऊपर उठाता जाएगा. But if I am proud. और यदि मैं अभिमानी हूँ. He will push me back or push me down. और वो मुझे नीचे धकेलेगा दबा के. It's very simple. ये बहुत ही आसान है. The devil is pushing me down. जो शैतान जो है मुझे नीचे धकेल रहा है. The world is pushing me down. संसार मुझे धकेल रहा है. The lusts in my flesh are pushing me down. और मेरे शरीर की जो अभिलाषा है, लालसा है, जो मुझे नीचे धकेल रही है. My only hope is if God pushes me up. मात्र मेरी आशा यही है कि परमेश्वर मुझे ऊपर उठाए रख रहा है. But if God also pushes me down. और यदि परमेश्वर यदि मुझे नीचे धकेलता है. Then I'm finished. और यदि ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. That is the reason why so many believers are defeated. और यही कारण है कि आज बहुत सारे मसीह पराजित जीवन जी रहे हैं. Whenever you are defeated by sin. और जब भी आप पाप से पराजित होते हैं. Any sin. कोई भी पाप. Small or big. छोटा या बड़ा. That your conscience tells you, you have fallen into sin. जब आपका विवेक आपको बताता है कि आप पाप में गिरे हैं. Say to yourself. आप खुद को कहे. At this moment, God pushed me down. इस क्षण परमेश्वर ने मुझे नीचे धकेला है. And you don't have to ask why. और आपको क्यों ऐसा है पूछने की जरूरत नहीं. He only pushes the proud down. और वो केवल अभिमानियों को ही नीचे धकेलता है. He does not push a humble person down. Never, never, never. और वो कभी भी नम्र व्यक्ति को कभी भी नीचे नहीं धकेलता. So what you need to ask God is, और आपको परमेश्वर से क्या मांगना है. Lord, where did I become proud? और आपको ये पूछना है कि प्रभु किस जगह पर मैं अभिमान this, से भर गया. This has happened to me many times in past years. और पिछले साल में बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है. I fell and I got up and I fell and I got up. और मैं कई बार गिरा उठा इस प्रकार. And I didn't know what was the reason. और मुझे पता नहीं वजह क्या थी. Till I understood that God resists the proud. और जब तक मैंने इस चीज को नहीं जाना कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है. I knew the reason. और फिर मुझे उसका कारण पता Then चला. Then I would go to God and say, Lord, where was I proud? Please tell me. और फिर उसके बाद मैं परमेश्वर के पास में जाकर पूछता हूँ कि प्रभु मुझे बता कहाँ मैं घमंडी भर गया. The Lord will show me some area where the previous day or the previous week I became a little proud about something. और तब परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ऐसे क्षेत्र को दिखाता है जो पिछले सप्ताह पिछले दिन में किसी क्षेत्र के अंदर थोड़े अभिमान से भर गया. I say thank you Lord. और मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रभु. It's like showing me some sickness in my body. और ये मेरे एक शरीर के अंदर एक बीमारी बताने के समान है. It's like my thanking a doctor for the scan he took to show me something was wrong in my body. और ये इस प्रकार है कि जब डॉक्टर को मेरे शरीर के अंदर बीमारी दिखाने के लिए स्कैन करने के लिए धन्यवाद देने के समान. Like I say thank you to the doctor, I say thank you to God. और मैं जैसे एक डॉक्टर को धन्यवाद कहता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ. Say thank you Lord for showing me. धन्यवाद प्रभु मुझे बताने के लिए. So I can cleanse that area in my life. और मेरे जीवन के एक क्षेत्र को मैं शुद्ध कर सकता हूँ. And humble myself a little more. और एक बार और अधिक मैं अपने आप को नम्र करूं. The Christian life is a growth in humility. और मसीही जीवन नम्रता में बढ़ोतरी का जीवन है. To live like Jesus lived is to live in humility. और यीशु के समान जीवन जीना मतलब नम्रता में जीवन जीना. It's the opposite of Satan. और उसका ये शैतान के विपरीत है. You know how Satan became Satan? और आपको पता है शैतान कैसे बना? It's very important to know that. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानना. It was the first sin that happened in the universe. और ये संसार के अंदर पहला पाप वो जो था. See Ezekiel in chapter 28. और Ezekiel उसका 28 अध्याय. Ezekiel in chapter 28. Ezekiel उसका 28 अध्याय. You read about the origin of The highest of the angels became the devil. और सर्वोच्च स्वर्गदूत जो शैतान वहां बन गया उसके बारे में लिखा है. We read about him once upon a time in verse 12, middle of that verse, he had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. और 12 वचन में लिखा है तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है.
He's referred to the king of Tyre. The real king of Tyre was the devil who was controlling the earthly king. और ये सोर के राजा के बारे में लिखा गया है जो संसार को जो नियंत्रित किए हुए था. That is Satan. और ये शैतान है. He was controlling the earthly king of Tyre. और जो जो संसार का जो राजा सोर है उसको नियंत्रित किए हुए था. And Satan was perfect, full of wisdom and beauty. और शैतान जो था सर्वोत्तम उत्तम बुद्धि से भरपूर भरपूर था. He lived in Eden, the garden of God, verse 13. और 13 वचन में तू परमेश्वर के अदन नाम की बारी में था. You know that Satan lived there before Adam. और आदम के पहले आप जानते कि शैतान आदम की बारी में रहा. And that is why he was very jealous that now Adam has come here where I lived once upon a time. और इसलिए शैतान उसके कारण बहुत ही जलन से भर गया कि मैं जहां रहता हूं अब आदम भी यहां आ गया. And he is called here at that time before he fell. This angel was verse 14, the anointed cherub. और वो उसके गिरने से पहले वहां लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था. Guards the whole garden. और वो पूरे जो अदन की बारी जो है उसे वो रक्षित संरक्षित करता था. And he lived on the holy mountain of God. वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहने वाला था. And verse 15, he was blameless in his ways from the day he was created. और वहां लिखा है कि तू जिस दिन सृजा गया तुझमें कोई भी कुटिलता न पाई गई. Absolutely perfect angel. और पूरी तरह से एक सिद्ध स्वर्गदूत. In a world and a universe where there was no sin at all. और उस संसार में तब कोई भी पाप नहीं था. There was no sin. कोई भी पाप नहीं था. It was a perfect universe. God had made the heaven and earth in that perfect universe. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जब बनाया पूरी तरह से सिद्धता में बनाया. That is Genesis 1 verse 1. और उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं. But between verse 1 and 2 of Genesis comes this passage. और पहले उत्पत्ति 1 और 2 वचन के बीच में ये वचन का भाग आता है. There in Genesis in verse 2 it says the earth became corrupt and void and empty. और जो उत्पत्ति 1 और 2 वचन में लिखा है जो पृथ्वी बेडोल और अंधकार से भरी हुई थी. How did that happen? वो कैसे हुआ? Because of what happened to the devil here. क्योंकि शैतान के साथ यहाँ क्या हुआ? He was not the devil then. He was the highest angel. और वहाँ तब वो शैतान शैतान नहीं था लेकिन एक सर्वोच्च स्वर्गदूत वहाँ था. He was called here in verse 14 the anointed cherub. और यहाँ लिखा है कि वो अभिषिक्त करूब था. He was anointed. वो अभिषिक्त था. Can a person lose the anointing? क्या एक व्यक्ति अपना अभिषेक खो सकता है? Satan lost the anointing. शैतान ने अपना अभिषेक खो दिया. He did not lose his powers. उसने अपने सामर्थ को नहीं खोया. God gave him certain powers. God said you can keep it. परमेश्वर ने कुछ सामर्थ को दिया. परमेश्वर ने कहा तू इसे रख सकता है. Anointing left him. लेकिन अभिषेक ने उसे छोड़ दिया. Today also sometimes God gives a man certain gifts to preach or to do certain things for God. और आज भी परमेश्वर के एक जन को बहुत सारे ऐसे वरदान देता है वचन प्रचार करने के और भी अन्य वरदान. And he anoints him. और उसे अभिषेक करता है. But God can, if he is proud, God will take away the anointing. लेकिन जिस क्षण वो अभिमान करता है परमेश्वर उस अभिषेक को ले लेता है. But not the gifts. और वो वरदानों को नहीं लेता. That's why you find many preachers who have fallen into sin, but still they can exercise tremendous preaching power. और आज भी मैं ऐसे प्रचारकों को देखता हूँ कई बार गिरे हुए लेकिन आज भी उनके पास प्रचार करने का सामर्थ्य पाया जाता है. Because the gift is not gone. क्योंकि वो वरदान जो है वो नहीं गया. But if you have discernment, you'll see the anointing is gone. लेकिन अगर आप में परख है तो आप जान पाएंगे कि वो अभिषेक उनमें से हट गया है. Many believers are not able to distinguish between gifts and anointing. बहुत सारे विश्वासी इस परख को नहीं परख पाते कि जो जो एक वरदान है और अभिषेक के बीच में. That's why they listen to some television preacher. और इसलिए जो टेलीविजन पे जो प्रचारक उसको सुनते हैं. Making so much money from the poor people. और वो जो गरीब लोगों के द्वारा बहुत सारे पैसों को बना रहा है. But he's preaching very powerfully. लेकिन बहुत सामर्थ्य रूप से प्रचार कर रहा है. Look at that wonderful preacher. और आप कहते कितने अद्भुत ये प्रचारक को देखे. I listen to that. और मैं उसे सुनता हूं. And I say, I can see he's got no anointing. He's only got gifts. और मैं देख पाता हूं कि इसके पास कोई अभिषेक नहीं है केवल इसके पास वरदान ही है. And he's lost the anointing because he loved money. क्योंकि उसने पैसों से प्रेम किया इसलिए उसने उस अभिषेक को खो दिया है. And there are women preachers on TV. और अभी एक स्त्रिया जो प्रचारक है वो टीवी पर आते हैं. Very gifted in speaking. और बहुत ही टैलेंट से भरे हुए होते प्रचार करने में. Mostly from America. और अमेरिका से खासकर होती है. Lot of money. बहुत सारा पैसा है. Take money from all the poor people who come to their meetings. और उनके सभाओं में जो गरीब लोग आते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं. No anointing. और कोई अभिषेक नहीं. Terrific knowledge, gifts, ability. लेकिन बहुत ही अद्भुत एक बहुत ही उनके पास एक ज्ञान से और वरदान भरा हुआ होता है. Let me tell you something. मैं आपसे कहना चाहता हूं. If you cannot distinguish between gifts and anointing, you will be deceived in your life. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अभिषेक और वरदान के बीच में आप परख नहीं करोगे तो आप धोखे खाओगे. Especially if you are an elder in a church. यदि आप एक कलीसिया के अंदर एक प्राचीन हैं. Somebody comes to your church who's got great knowledge of the Bible.
यदि आपके कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके पास वचन का बहुत सारा ज्ञान है, प्रीच वेल, बहुत ही अच्छा प्रचार वो करता है, बट इफ यू हैव डिसर्नमेंट यू विल सी हे देयर इज नो अनॉइंटिंग देयर, लेकिन अगर आप में परख है तो आप कहेंगे कि इसके अंदर अभिषेक की कमी है। आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है इन सीएफसी, सीएफसी कलीसिया में इनिशियली हैड एन अनॉइंटिंग, वो जो आरंभ में उनके ऊपर अभिषेक था एंड गिफ्ट्स और वरदान थे, नाउ द अनॉइंटिंग इज गॉन, पर अब अभिषेक उठ चुका है, बिकॉज़ दे बिकेम प्राउड of God was using them in some way. क्योंकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है ये सोचकर अभी वो अभिमान से भर गए हैं। I'm an elder. अब मैं एक प्राचीन बन गया हूँ। People are respecting me. लोग मेरा बहुत मुझे आदर देते हैं। They can still preach well. वो अच्छा प्रचार अब भी कर सकते हैं। Humility has gone. लेकिन वो नम्रता जा चुकी है। Anointing has gone. वो अभिषेक जा चुका है। So when I look for a preacher, when I look at a preacher, और जब मैं एक प्रचारक को देखता हूँ, I don't see whether he's got gifts because I'll be deceived. और मैं उसके वरदानों को नहीं, उसके तालंतों को नहीं देखता, मैं धोखा खा सकता हूं। Because the devil himself can come there and I'll be deceived because he's got tremendous gifts. और शैतान वहां पर खुद आप आ सकता है और मैं उसके वरदानों को देकर धोखा खा सकता हूं। Never assess a person by his gifts. और किसी भी व्यक्ति को उसके जो तालंत या वरदान है उससे उसको न जांचे। Don't look at a preacher and say, "Boy, I wish I could preach like that." और प्रचारक को देख के ये नहीं कि काश मैं इस प्रचारक के समान अद्भुत प्रचार कर सकता। Never, never, never. That is seeking honor for yourself. और कभी भी ऐसा ना करें, ये अपने आप के लिए आदर खोजने के समान है। Look at a godly man and say, "I wish I could live like that." और एक ईश्वरीय जन को खोजे और कहे कि काश मैं इस व्यक्ति के समान जी पाऊं। I wish I could be humble like that person. और इस व्यक्ति के समान मैं नम्र रह पाऊं। That is what you should seek, not gifts. और वरदानों को न देखे लेकिन ऐसी चीज को देखे। If you seek for gifts, you'll go astray. और वरदानों को अगर आप देखेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। क्लासिक एग्जांपल इज सैतान। और सबसे उत्तम उदाहरण उसका शैतान है। Do you know who was the first person who brought fire from heaven? आपको आप जानते हैं कि पहला व्यक्ति जो स्वर्ग से आग को लेकर आया? Not Elijah. वो एलिया नहीं था। Satan. शैतान था। Job chapter 1. अय्यूब उसका पहला अध्याय। He brought fire from heaven. वो स्वर्ग से एक आग को लेकर आया। On Job's children and property. और जो अय्यूब की जो उसकी संपत्ति थी उसके बच्चों के ऊपर। So if you bring fire from heaven, that doesn't mean that you are anointed. और यदि आप स्वर्ग से अग्नि उतार पाते उसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत अभिषिक्त दास हैं। It means you've got gifts. इसका मतलब यह है कि आपके पास वरदान या तालंत है। Many of Satan's servants have got supernatural gifts. और शैतान के कई सारे जो दास हैं उनके पास एक बहुत ही अलौकिक वरदान पाए जाते हैं। The anointing is gone. और अभिषेक जा चुका है। So he was anointed once. और ये एक समय पर अभिषिक्त था। But what happened, verse 17, लेकिन 17 वचन में क्या हुआ? His heart was lifted up because of his beauty. सुंदरता के कारण उसका मन फुल उठा। And his wisdom, verse 17, और उसके बुद्धि के कारण। So the three things Satan had. और तीन चीजें शैतान के पास थी। Very good looking. और बहुत ही सुंदर दिखने वाला वो था। You know, some of you are good looking. और आप जानते हैं आप में से कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं। Well, praise God for that. प्रभु की स्तुति हो उसके लिए। You can look into a mirror. और आप आईने में देखे और कहे, Thank God, I'm so good looking. और आप कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हूँ। Immediately, pride has come. और तुरंत ही एक अभिमान या घमंड आपके अंदर आ गया है। God begins to resist you from that moment. और उस क्षण से आगे परमेश्वर आपको आगे नीचे धकेलना आरंभ कर देता है। It could be physical beauty. और वो हो सकता है तुम्हारी शारीरिक सुंदरता हो सकती है। It could be spiritual beauty. और वो आत्मिक सुंदरता शायद हो सकती है। I'm such a Christ-like person. और मैं कितना मसीह के समान एक व्यक्ति हूँ। People in the church respect me because I'm such a humble person. और मैं नम्र व्यक्ति हूँ इसलिए कलीसिया में लोग मुझे आदर करते हैं। It's an amazing thing. You can be proud of your humility. और ये एक अद्भुत बात है कि आपकी नम्रता के ऊपर भी आप घमंड कर सकते हैं। That's beauty. और ये एक सुंदरता है। और intellectual cleverness. और आपकी बुद्धि के ऊपर। और Bible knowledge. और वचन के ज्ञान के ऊपर। There are so many things you can become proud of. और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण आप घमंड से भर सकते हैं। Pride is the heart being lifted up. और जो ये घमंड से उसका मन फूल उठा। Satan had physical beauty. शैतान के पास एक शारीरिक सुंदरता थी। Tremendous cleverness. बहुत ही अधिक चतुरता उसमें थी। And the highest position in heaven. स्वर्ग में एक सबसे ऊंचा पद उसका था। ब्यूटी, सुंदरता, नॉलेज, बुद्धि, पोजीशन, पद। He became the devil. और उसके बाद वो शैतान बन गया। Not because he had these things, और इसलिए नहीं कि उसके पास ये तीन चीजें थी, but because he became proud of these things. लेकिन ये तीन चीजों के कारण उसका मन अभिमान से भर गया। Do you look into a mirror and become proud of your beauty? और आप आईने में देख के अपनी सुंदरता के कारण क्या घमंड से भर जाते हैं? There's nothing wrong in being beautiful or good looking. और अच्छे दिखने में सुंदरता होने में कोई गलत बात नहीं है। Just humbly thank God. लेकिन नम्रता से हमें धन्यवाद देना है। But don't think you are more spiritual than the other person who is ugly looking.
और जो कोई जो बुरा दिखता है उससे आप सुंदर दिखते हैं, उससे आप घमंड महसूस न करें। Are you proud of your intelligence? आपकी बुद्धिमत्ता के कारण क्या आप घमंड महसूस करते हैं? Nothing wrong in being clever. और चतुर होने या बुद्धिमान होना कोई बुरी बात नहीं है। I may not be as clever as some of you, but I've got some cleverness. आपके समान शायद मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन कुछ तो मेरे पास बुद्धि है। If I ever become proud of it, लेकिन उसके कारण अगर मैं घमंड करता हूँ, the grace of God will depart from me. तब परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे चला जाएगा। If I become proud of my Bible knowledge, अगर मेरे बाइबल के ज्ञान के कारण मेरा मन घमंड से भर जाता है, the grace of God will depart from me. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे दूर हो जाएगा। But I'll still be able to preach powerfully. लेकिन फिर भी मैं सामर्थ्य रूप से प्रचार करूंगा। How will I know the grace of God is departed? और कैसे मैं जान पाऊंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझसे दूर हो गया है? I'll preach powerfully. I will preach powerfully. बहुत ही सामर्थ्य रूप से मैं प्रचार करूंगा। But in my private life, I will be defeated by sin. लेकिन मेरे निजी जीवन के अंदर मैं पाप के द्वारा पराजित जीवन जीऊंगा। In my thought life, I'll be defeated by sin. और मेरे विचारों के अंदर मैं पाप से पराजित जीवन जीऊंगा। Why? क्यों? Because I became proud of something. क्योंकि मैं कुछ चीजों के कारण घमंड से भर गया। Maybe of my preaching. और शायद प्रचार करने के द्वारा, maybe by Bible knowledge. और वचन के ज्ञान के द्वारा। And thirdly, you can be proud like Satan of your position. और तीसरी चीज, शैतान के समान आप घमंड कर सकते हैं आपके पद पर। I've seen people who are proud that they were elders in a church. और मैं देखता हूं कई लोगों को कि वो कलीसिया के अंदर प्राचीन इस कारण घमंड से भर जाते हैं। Advertise everywhere, I'm an elder. और हर जगह वो ये घोषणा करते कि मैं एक प्राचीन हूं। They put an on Facebook, I'm an elder in CFC. और Facebook में शायद बताएंगे कि मैं एक प्राचीन हूं CFC कलीसिया में। I've seen people like that, they fall. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो गिर जाते हैं। It's not I who make them fall. God pushes them down. और वे खुद नहीं गिरते, लेकिन परमेश्वर उनको गिराता है। Nobody makes them fall. कोई भी उनको गिराता नहीं। God pushes them down. और परमेश्वर उनको नीचे धकेलता है। Because he resists the proud. क्योंकि वो अभिमानियों का सामना करता है। And he has no favorites. और उसके कोई भी खास लोग नहीं होते हैं। Zack Poonen is not a favorite of God. और परमेश्वर के लिए Zack Poonen कोई खास व्यक्ति नहीं है। He doesn't say, oh, I will never push Zack Poonen down. और वो ये नहीं कहेगा कि मैं कभी भी Zack Poonen को नीचे नहीं धकेलूंगा। If I am proud, he will push me down. अगर मैं घमंड से भर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे नीचे धकेलेगा। This was the highest of the angels and God pushed him down. और ये स्वर्गदूत सबसे सर्वोच्च स्वर्गदूत था, परमेश्वर उसे नीचे धकेलता है। Learn a lesson from that. और उससे मैं एक पाठ सीखता हूं। You are not a special favorite of God. और परमेश्वर के आप कोई खास चुनिंदा नहीं है। Even if you're the best brother or sister in the church, if you become proud, God will push you down. और कलीसिया के अंदर सबसे सर्वोच्च आप भाई और बहन हो सकेंगे, लेकिन आप घमंड से भर जाएंगे, परमेश्वर आपको नीचे धकेलेगा। The devil was pushed down because he tried to go up. क्योंकि शैतान ऊपर जाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे नीचे धकेला। See another passage of scripture is Isaiah 14. और यशायाह 14 अध्याय में हम देखते हैं a description of how Satan became Satan. और यहाँ पे देखते हैं शैतान कैसे शैतान बना, उसका वर्णन। He was the head of the angels. वो स्वर्गदूतों का प्रधान था। He is called in verse 12 of Isaiah 14 the star of the morning, the sun of the dawn. यशायाह 14 उसके 12 वचन में शैतान के बारे में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। The morning star. वो भोर का चमकने वाला तारा है। And he was pushed down. और वो आकाश से गिर पड़ा। Why? क्यों? Verse 12, how you have fallen from heaven. और तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? Because verse 13, you said in your heart, I will go above the throne of stars of God. 13 वचन में तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। And verse 14, I will make myself like the Most High God. और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। How can you make yourself like the Most High God? और कैसे आप परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बना सकते हैं? I'll give you one example. एक उदाहरण दूंगा। God is the only one we are supposed to worship. परमेश्वर एकमात्र है जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। Nobody else is to be worshipped. और कोई भी नहीं जिसकी हम आराधना कर सकते। You know this habit that we have in India of people touching the feet. और जैसे हम जानते हैं कि भारत की संस्कृति के अंदर लोगों के पैर छूना एक संस्कृति है। We must never allow it in the church. और कलीसिया में हमें कभी भी उसकी अनुमति नहीं देना है। You know, even the apostle John at the age of 95 made a mistake. और 95 साल के समय में एक प्रेरित जो यूहन्ना था, उसने भी इस गलती को किया। We read in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में हम इसे पढ़ते हैं। And chapter Revelation and chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। First of all, in chapter 19 and verse 10. पहला 19 अध्याय और 10 वचन। Revelation 19:10.
प्रकाशित वाक्य 19:10 when John saw all these wonderful things in the book of Revelation aur jab yuhanna ne prakashit vakya mein paye jane wali sari adbhut cheezon ko dekha an angel had showed him many things aur ek swardoot ne usko sari cheezon ko dikhaya and John verse 10 Revelation 19:10 fell at the feet of this angel to worship him aur tab main usko wo swardoot ke pairon par gir gaya usko dandvat karne ke liye and the angel said no don't do that I am only a servant like you और तब सरदूत ने कहा कि देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं worship God केवल यीशु की आराधना कर only God must be worshiped केवल परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए he heard that और उसने उसको सुना and a few minutes later और कुछ क्षण के बाद you read in chapter 22 22 अध्याय में verse 8 8 वचन again John made the same mistake और उसी गलती को यूहन्ना ने और एक बार just a little while later और थोड़ी क्षण के बाद ही बिटवीन 19 एंड 22 मस्ट बी मे बी हाफ एन आवर वन आवर और 19 और 22 अध्याय के अंदर शायद आधा या एक घंटे का फर्क होगा अगेन ही फेल डाउन टू वर्शिप वर्स 8 और एक बार वो स्वर्गदूत के चरणों पर गिरकर उसकी आराधना करने अगेन द एंजल सेड डोंट डू दैट और स्वर्गदूत उसको कहता है कि ऐसा मत कर वर्शिप ओनली गॉड केवल परमेश्वर की आराधना कर सी दोस एंजल्स न्यू व्हाट हैपेंड टू सैतान और वे स्वर्गदूत जानते थे कि शैतान के साथ क्या हुआ था Satan wanted to be like God, get everybody to worship me. और शैतान परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था और सारे लोग उसकी आराधना करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, whenever you have a desire that other people must admire you and look up to you, और जब भी आपके अंदर एक इच्छा और चाहत होती कि अन्य भाई बहनें आपकी चाहत करें या आपकी ओर देखें, they must admire you and say, "Oh, how wonderfully he sings." और वो आपको लोग देखकर ऐसा कहे कि प्रशंसा करे कि कितना अद्भुत ये भाई गाता है How wonderfully he prays और कितनी अद्भुत रीति से प्रार्थना करता है How wonderfully he preaches और कितनी अद्भुत रीति से प्रचार करता है What a Christ-like person he is और कितना मसीह के समान का ये व्यक्ति है What a humble sister she is और कितनी नम्र बहन ये है And you find a little happiness coming inside you with such thoughts और इन विचारों के साथ आप पाएंगे कि आपके अंदर एक खुशी सी महसूस होगी You are enjoying the worship of people. और आप तब पर में लोगों की आराधना को आनंद उठा रहे हैं उसका. God will push you down. और तब परमेश्वर आपको नीचे दबा के गिराएगा. You have to hate those thoughts. आपको ऐसे जो विचार है उसको नफरत करनी है. We cannot prevent people from appreciating us or praising us. और लोग हमारी प्रशंसा करें इसको हम रोक नहीं सकते. That is, we don't have to stop that. और उसको हमें रोकने की जरूरत नहीं. People said many good things about Jesus and he accepted it. और यीशु मसीह के बारे में लोगों ने अच्छी बातें की यीशु ने उसे अपनाया he didn't get puffed up in his heart. लेकिन उसके मन में वो फूल नहीं गया People said good things about Paul. और लोगों ने पौलुस के बारे में अच्छी बातें कही And bad things. और बुरी बातें भी कही But they kept themselves away from the opinions of men. लेकिन वहां पर उन्होंने लोगों के जो मत है उससे अपने आप को अलग बनाए रखा Whenever people say something good about you, और जब लोग आपके बारे में कुछ भी अच्छा कहते हैं appreciate you, आपकी प्रशंसा करते हैं you heard somebody said something good about you somewhere, और जब आप सुनते कि कहीं पर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में अच्छा कहा है Be quick to give that to God. बहुत ही जल्द उसको परमेश्वर को दे something like this. इस प्रकार If somebody gives you 100,000 rupees और अगर यदि आपको कोई 1,00,000 रुपए देता है give this to brother so and so वो कह के कि ये इस भाई को दे देना if you keep it अगर यदि आप उसको अपने आप रख लेते हैं what are you doing I'm sure none of you will do it और मैं आशा रखता हूं आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा you're a thief और आप यदि करते हैं सर आप चोर हैं look at it like that इस प्रकार आप इसे देखें somebody appreciates you कोई आपकी सराहना करता है that has to be given to god और उस प्रशंसा को आपको परमेश्वर को देना है डोंट कीप इट अपने आप के लिए ना बनाए रखें इट्स लाइक कीपिंग दैट 1,00,000 रुपीस और वो 1,00,000 अपने आप के पास रखने के समान है दैट इज नॉट योर्स और वो आपका नहीं है इट्स मेंट फॉर समबडी एल्स और वो किसी और के बारे में दैट्स व्हाट द एंजल सेड वर्शिप गॉड इसलिए स्वर्गदूत ने कहा केवल परमेश्वर की आराधना कर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाइयों बहनों दीस आर सम फंडामेंटल लेसंस टू लिव लाइक जीसस लिव्ड और ये कुछ नींव की पाठ है जो हमें यीशु के समान जीने के लिए मदद करेगा Jesus was the opposite of Satan. और यीशु मसीह शैतान के बहुत ही विरोध या उसके विपरीत था Satan was he was the highest of angel but he was still much below God. और जो शैतान जो था स्वर्गदूतों का प्रधान था लेकिन वो परमेश्वर के फिर भी नीचे But he था wanted to go up. लेकिन वो ऊपर जाना चाहता था Jesus यीशु मसीह was already there. यीशु मसीह वहीं पर था Equal with the Father. और वो परमेश्वर के तुल्य था पिता के He came down. लेकिन वो नीचे आया
How much did he come down? और वो कितना नीचे आया? Turn to Philippians in chapter 2. फिलिप्पी 2 अध्याय. Living like Jesus lived. यीशु के समान जीवन जीना. See Philippians chapter 2. फिलिप्पी 2 अध्याय. It says here. यहाँ पर कहता है. Verse 5. Have the same attitude in yourself which Jesus had. वचन 5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. Which is the opposite of Satan's attitude. ये शैतान के स्वभाव के विपरीत है. So what does it say? और यहाँ पे क्या कहता है? Now you may have heard this hundreds of times from me. और बहुत हजारों बार मेरे मुख से इसको आपने सुना होगा. But I'll tell you something. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ. You need to hear it all your life. ये आपको आपके जीवन काल तक सुनने की जरूरत है. You need to be reminded of it again and again and again and again until Jesus comes. और यीशु मसीह नहीं आया तब तक बार-बार दोबारा इसको आपको स्मरण दिलाने की जरूरत है. That's why we don't read Philippians 2 just once in our life and close it and say never read it again. और इसलिए हम फिलिप्पी 2 अध्याय को एक बार पढ़ के फिर उसको बंद नहीं कर देते. You can read Philippians chapter 2 5 for 50 years. और आप फिलिप्पी 2:5 को आपके जीवन में 50 सालों तक पढ़ सकते हैं. And you need to hear it every time for 50 years. और ये हम 50 साल तक पढ़े. What is that? क्या है? Have the same attitude that Jesus had. और वो ये है मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो. Now look at these three steps he took. तीन कदमों को देखें. Three steps downwards. और तीन कदम नीचे की तरफ. First. पहला. Though he was God. वो परमेश्वर के स्वरूप में था. He did not think I have to hang on to this equality. लेकिन फिर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में न समझा. Grasped means he didn't want to hold on to it. और उसको पकड़े नहीं रखा उसने. He gave it up. उसको दे दिया. Empty, opened his hands and emptied himself. अपने हाथों को उसने खोलकर अपने आप को शून्य कर दिया. First step. पहला कदम. He became a man. वो मनुष्य बना. Now God becoming a man. परमेश्वर एक मनुष्य बना. If you want to see a picture of it, और इसका एक चित्र देखने के लिए, if you see a little ant crawling on the ground, अगर आपको यहाँ पे एक चींटी अगर ज़मीन पर रेंगते हुए देखे, carrying one grain of rice, और एक छोटा अनाज का दाना ले जाते हुए, and you want to help that ant carry that grain of rice, और आप उस अनाज के दाने को उठाने के लिए उस चींटी की मदद करना चाहते हैं, you can't do it as a man. आप मनुष्य होने के नाते वो नहीं कर सकते. But you love that ant so much, you become an ant. आप उस चींटी से इतना प्यार करते हैं कि आप उस चींटी के समान चींटी बन जाते हैं. I don't think any of us will do it. और हम नहीं चाह मैं नहीं जानता कि आप में से ऐसा कोई करेगा. We don't love ants so much. और हम चींटियों से इतना प्यार नहीं करते. You want to get a picture of how God loved us? और आपको अगर चित्र देखना है कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. You become an ant to help the ant carry that one grain of rice. वो एक चींटी के मनुष्य एक चींटी के समान वो बन गया ताकि वो चींटी को उस अनाज के दाने को उठाने के लिए सहायता कर सके. Now some of you may be willing to become an ant if you can become a man again. आप में से कई सारे चींटी बनने के लिए राजी हो जाएंगे इस बात को सोचकर कि आप वापस आदमी बन जाएंगे. But what if you become an ant permanently for the rest of your life? ऐसा अगर सोच के देखें कि आप निरंतर अपने जीवन काल के लिए एक चींटी ही बनकर रह जाएं. You leave your family and everything else. They are there, but you become an ant. और आप अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ छोड़कर एक चींटी बन जाएं. सोचकर देखें. How many of us will do it? कितने लोग ऐसा करेंगे? I'm trying to give you a picture of what Jesus did. और यीशु मसीह ने जो किया उसका चित्र मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. He became a man. Permanently. वो पूरी तरह से कायमी रूप से वो एक मनुष्य बन गया. Do you know he is a man in heaven today? हर वो जानते कि वो स्वर्ग में एक मनुष्य है. He's got a body, eyes, hands, just like us. और हमारे समान ही उसके आँख, और हाथ और सब कुछ हमारे जैसा शरीर. And he will be like that for eternity. और वो हमेशा अनंत काल तक वो ऐसा रहेगा. He became a man permanently. वो कायमी तौर पर वो एक मनुष्य बन गया. That itself is a tremendous demonstration of love. और ये आप खुद में ही एक प्रेम का सबसे बड़ा चित्रण या प्रकटीकरण है. You became an ant just to help that ant carry that grain of rice. That itself will be a great mark of love. और ये प्रेम का बहुत बड़ा स्वभाव या चित्रण होगा कि आप उस चींटी को अनाज उठाने के लिए सहायता करने के लिए चींटी बन जाएं. Jesus became a man. लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह जो मनुष्य बना. Become a man forever. हर सदा काल के लिए. Meditate on it. उस पर मनन करें. When I meditate on it, it brings tears into my eyes. और मैंने जब इस पर मनन किया मेरी आंखों में आंसू लेकर आता है. Lord, how much you love me. कितना अधिक परमेश्वर आपने मुझसे प्रेम किया. And the Lord says. प्रभु कहता है. That is my nature. और ये मेरा स्वभाव है. And if you become like me, it'll become your nature. अगर तू मेरे समान बनेगा तो ये तेरा स्वभाव भी होगा. You will never think of yourself as superior. To any human being in the world. और इस संसार में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से बढ़कर आप तू अपने आप को नहीं सोचेगा. You will never look at a beggar and say I'm better than him. आप किसी भिखारी को देखकर ये नहीं कहेगा कि मैं उससे बेहतर हूँ. I will never look at an uneducated man and say I'm better than him.
और आप एक अशिक्षित व्यक्ति को देखकर ये नहीं कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ। I will not never look at a drunkard staggering down the street and say I'm better than him। और सड़क पे पाए जाने वाले शराबी को देखकर ये नहीं कहेंगे कि मैं उससे बेहतर हूँ। I will look at that drunkard staggering down the street। और उस शराबी को मैं उस सड़क पर देखूंगा। I said there goes Zack Poonen if it were not for the grace of God। और मैं उस शराबी को देखकर ये कहूंगा अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो उस शराबी के समान जैक पुनन वहां जा रहा होता। That's me, that's और me. ये मैं हूं। That drunkard is me. और वो शराबी वो मैं हूं। Apart from the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। The grace of God has made me a little different from him. और परमेश्वर के अनुग्रह ने ही उस व्यक्ति से अलग मुझे बनाया। Take away the grace of God from my life, I'm like that drunken man walking down the street. यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन से हटा दे उस शराबी व्यक्ति के समान मेरा जीवन हो जाएगा। Please remember this all your life aur apne pure jeevan ke samay tak ise aap smaran rakhe not for just half an hour after this message aur is samay is sandesh ke aadhe ghante ke liye nahi how to remember it all our life aur kaise hum isko jeevan bhar yaad rakh sakte hain I'll tell you main kehta hu very simple secret bahut hi ek sadharan main rahasya batata hu filled with the holy spirit aapko pavitra atma se bharna hai there's no other way aur koi rasta nahi it's not by keeping a note on my pad and keep in the on my table and always looking at it और ये इससे नहीं होगा कि मेरे एक टेबल के ऊपर एक लिखन एक चिट्ठी लिखकर रखो और उसको मैं देखते रहूं ऑलवेज थिंक यू आर नोबडी और उसे पढ़ते रहूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं बट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द टेबल यू विल फॉरगेट इट और अगर टेबल से आप बाहर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ही फिल्स यू अगर वो उसको आपको भरता है यू विल नेवर बी प्राउड तब आप कभी भी घमंड से नहीं भरेंगे as soon as anything comes like that you will immediately give the glory to god जब कभी ऐसी सराहना या महिमा आपके पास आती तुरंत आप वो परमेश्वर को दे देंगे that is why I say the great secret of the christian life is to be filled with the holy spirit इसलिए मैं कहता हूं कि मसीह जीवन का सबसे महान रहस्य जो है वो पवित्र आत्मा से भरना है he is the only one who can make you like jesus और वो पवित्र आत्मा है वो केवल यीशु वही केवल आपको यीशु के समान बना सकता है he is the only one who can enable you to live like jesus और वही आपको सक्षम कर सकता है यीशु मसीह के समान जीने के लिए he is the only one who can keep you humble no matter who praises you no matter what happens aur chahe kuch bhi ho jaye koi bhi aapki kitni bhi tareef kare pavitra atma hi aapko namra rehne ke liye sahayata kar sakta hai sometimes he does it through difficult means aur kai baar wo kathinaiyon ke dwara aapko ye karne karta hai do you think the apostle paul was ever tempted to be proud aur kya aap ye soch sakte hain ki prerit jo paulus tha kabhi wo ghamand se bharne ke liye wo do you think brother zack has ever tempted to be proud aur kya brother zack hai unko kabhi parikshan hua hoga ghamand se bharne ke liye some of you may think oh brother zack he is never tempted to be proud aur aap mein se kai sochenge ki brother zack kabhi wo us ghamand se nahi bharenge let me tell you something main aapko kehna chahta hu there's nobody in the world who is not tempted to be proud aur sansar mein aisa koi bhi nahi jo ghamandi hone ke liye uske parikshan uske jeevan mein na even the apostle paul was tempted to be proud aur prerit paulus bhi uske andar ek ghamand se bharne ke liye ek parikshan tha see 2 corinthians 12 dusra korinthi 12 adhyay but he never became proud lekin wo kabhi ghamand se nahi bhara he was tempted wo parikshan mein zarur pada holy spirit protected him lekin pavitra atma ne usko bachaye rakha and sometimes the holy spirit protects us through some drastic difficult means aur kai baar parmeshwar pavitra atma hame bahut hi kathinaiyan aisi cheezon ke dwara bachaye rakhta hai see paul was a man who wrote scripture और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वचन के भाग को लिखा है He planted churches. बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना उसने की He was a powerful preacher. बहुत ही सामर्थ्य प्रचारक था He healed the sick. बीमारों को उसने चंगा किया demons, और दुष्टात्माओं को निकाला raised the dead, और मृतकों को जिलाया and he was taken to the third heaven once. और तीसरे स्वर्ग तक वो लेकर गया 2 Corinthians 12 verse 7 दूसरा कुरिन्थी 12 2 Corinthians 12 verse 7 सात वचन Because of the greatness of the revelations I had to keep me from exalting myself there was given me a thorn in the flesh isliye ki main prakashanon ki bahutayat se phool na jaau mere sharir mein ek kaanta chubhaya gaya what is it for why did god give him this sickness aur kyon parmeshwar ne paulus ke jeevan mein ek bimari ko diya you know paul was a sick man aap jante paulus ek bimar vyakti tha and he prayed 3 times and god's verse 8 and god said no aur usne bahut baar prarthna karte raha aur ye parmeshwar ne kaha ki nahi God said, "I won't heal your sickness, verse 9, but I'll give you grace." और ये परमेश्वर उसे कहता है, मैं तुम्हें बीमार से चंगा नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूँगा. The Lord told Peter, Lord told Paul, "Why I have given you this sickness?" और परमेश्वर पौल उसे कहता है कि क्यों मैंने तुझे इस बीमारी को दिया है? Because Paul, you've got such fantastic experiences, much more than all those thousands of believers around you. और हमारे पास आसपास पाए जाने वाले हजारों विश्वासियों से बेहतर अनुभव पौल उसके पास था. And you are in danger of becoming proud.
और आप एक एक खतरे में हैं कि आप घमंड से भर जाए. And Paul is such a humble man. और पौलुस एक ऐसा नम्र व्यक्ति है. That he tells everybody, I was in danger of becoming proud. और वो इतना नम्र व्यक्ति के लोगों से कहता है कि मैं घमंड से भर जाने के खतरे में हूँ. Have you ever told anybody that you were in danger of becoming proud? क्या आपने किसी से ऐसा कहा है कि मैं घमंड से भर जाने के खतरे में हूँ? It requires a lot of humility to say that. और इस प्रकार कहने के लिए बहुत नम्रता की जरूरत है. Because most of us give people the impression, no, I never get proud. और बहुत सारे लोग ऐसी छवि रखते हैं कि मैं कभी घमंड से नहीं भरूंगा. I am not tempted. और मैं कभी परीक्षण में नहीं पड़ता. But Paul was honest and he said, I was tempted to be proud. और पौलुस बहुत ईमानदार था. वो कहता है कि घमंड होने के परीक्षण में वो पड़ता है. You can be tempted to be proud of your beauty. आपके सुंदरता की उस 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 पर घमंड करने के परीक्षण में पड़ सकते हो. फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता. स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सुंदरता. स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आत्मिक जो बढ़ोती है. और योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर. और योर बाइबल नॉलेज, आपके वचन के ज्ञान के ऊपर. और योर पोजीशन, आपके पद के संबंधित. पोजीशन इन द वर्ल्ड और पोजीशन इन द चर्च, और कलीसिया या संसार में पद के संबंधित. प्राइड इज वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस. और ये घमंड जो है बहुत ही निकट हमारे है. And Paul acknowledged it. और पौलुस ने इसे मान लिया. And God gave him a sickness because he's that's the only way I can keep you humble. और परमेश्वर ने उसे एक बीमारी दिया क्योंकि वही एक तरीका था जिसके माध्यम से उसे वो नम्र रखे. It's true that sometimes God can humble us only through sickness. और ये बहुत ही सच है, कई बार बीमारी के माध्यम से ही परमेश्वर हमको नम्र रख सकता है. And why did God want to keep Paul humble? और परमेश्वर क्यों पौलुस को नम्र बनाए रखना चाहता था? Otherwise God will become his enemy. नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर उसका विरोधी बन जाएगा. Paul will come crashing down like some plane. और उस हवाई जहाज के समान पौलुस नीचे दबाया जाएगा. So God wanted to keep Paul up in the air. और परमेश्वर हमेशा पौलुस को ऊपर हवा में उठाए रखना चाहता था. Lead him higher and higher, more like Christ. और वो मसीह के समान और भी ऊंचे उसे लेकर जाना चाहता था. But for that Paul had to remain humble. पर लेकिन उसके लिए पौलुस को नम्र होना जरूरी था. But how to remain humble when you have raised the dead? और जब आप मुर्दों को उठा रहे हैं तो नम्र कैसे बन सकते हैं? Can you imagine if you raised a dead person somewhere it got publicized all over Bombay? आप सोच के देखें कि आपने किसी मुर्दे को जिलाया और हर जगह पर वो मशहूर हो गया, सब जगह. Published in the newspapers. और न्यूज़पेपर अखबारों के अंदर वो छप गया. It'll be very difficult for you to be humble. और बहुत ही कठिन होगा आपको नम्र बने रहना. God has to give you some sickness to keep you down. और परमेश्वर आपको बीमारी देनी पड़ेगी ताकि वो नम्र बनाए रखे. Paul says, God gave me that. और पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया. So you say, well, is it only by sickness that God can humble us? और अगर आप कह सकते हैं कि केवल बीमारी के द्वारा ही परमेश्वर मुझे नम्र बनाए रख सकता है? Most of us don't need it because we are not writing scripture and we are not raising the dead. अब हमें से ज्यादातर को जरूरत शायद नहीं होगी क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग शायद वचन को नहीं लिखते हैं. None of us have been taken up to the third heaven. और हम में से कोई भी उस तीसरे स्वर्ग तक नहीं ले जाया गया. We are proud of little we grow quarter inch and we become proud. और हम थोड़ा-थोड़ा इंच करके थोड़ा सा बढ़ते और फिर उसमें घमंड से भर जाते हैं. But Paul was great heights and so he needed something to keep him humble. और पौलुस जो था बहुत ही ऊंचाइयों के ऊपर था, इसलिए चाहिए था कि उसको नम्र बनाने के लिए कुछ बीमारी. But remember that is one of the reasons why God allows sickness. और इसे याद रखें कि ये कारण होता है जिसके कारण परमेश्वर अनुमति देता है बीमारी. It's a mark of God's love. और वो परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है. It doesn't matter if you're sick. और इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप बीमार हो. That will keep you humble. That's good. यदि वो आपको नम्र बनाए रखता है तो आपके लिए भला है. See, there was one man who walked on the earth who was humble, who did not need sickness. और एक व्यक्ति था जो बहुत ही नम्र था, उसे किसी बीमारी की जरूरत नहीं थी. Jesus. और वो यीशु था. He didn't need his sickness to be humble. और उसे बीमारी की जरूरत नहीं कि उसके द्वारा वो नम्र किया जाए. You don't need sickness to be humble. और हमें बीमारी की जरूरत नहीं कि हम नम्र किए जाए. But in Paul's case it was necessary. पर पौलुस के जीवन के अंदर बारे में वो अनिवार्य था. Turn back to Philippians 2. और फिलिप्पी 2 अध्याय में वापस लौटे. Says, have this attitude in you, verse 5, which was in Christ Jesus. और वो जैसे कहते हैं मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. Step 1. पहला कदम. From God he became man. वो परमेश्वर के स्वरूप से उतरकर एक मनुष्य बना. And I told you what a huge step downwards that is. और वो नीचे की तरफ कितना एक बड़ा कदम वो था. So if he became a man, even if he became a king, that would have been humility. और अगर वो एक राजा भी अगर बन जाता फिर भी वो नम्रता होती. For God to become an earthly king, that is almost like our becoming an ant. और ये परमेश्वर अगर एक धरती का राजा बन जाता वो भी एक चींटी बनने के समान ही होता. That just means like becoming a big ant. और वो शायद एक बड़ी चींटी बनने के समान होता. That's still a humility. लेकिन फिर भी वो नम्रता ही होती. But he did step number 2. लेकिन उसने दूसरे कदम को किया. He became a man. वो मनुष्य बना. And then he went further down. It says in verse 7 he became a slave. और लेकिन वो उस मनुष्य से भी नीचे उतर गया, वो दास का स्वरूप धारण किया. Is it written दास लिखा हुआ है वहाँ?
See here, gulam, that is a better word, it's a slave. वो गुलाम का स्वरूप उसने धारण किया. Not servant. दास नहीं लेकिन गुलाम. You know, servant is someone who gets pay. दास जो है उसको पैसे मिलते हैं. But slave gets nothing. लेकिन गुलाम जो होता है उसको कोई पैसा नहीं मिलता. In the olden days, you could kill a slave, you won't be punished. और पुराने समय के अंदर आप गुलाम को मार भी दो, फिर भी आपको कोई सजा नहीं होती. It's like you buy a chair in the market, you buy a slave. और जैसे आप एक मार्केट से, एक बाजार से कुर्सी खरीदते हैं, वैसे गुलाम को खरीदते हैं. If you break that chair, nobody's going to punish you. और अगर आप उस कुर्सी को तोड़ भी दो, कोई आपको सजा नहीं करेगा. Slaves were like that. और गुलाम इस प्रकार होते थे. The lowest of people. और सारे लोगों के अंदर सबसे निचली कक्षा. Jesus became like a slave. और यीशु मसीह उस गुलाम के स्वरूप में आ गया. Second step, first man, then slave. पहला कदम जो था वो मनुष्य बनना, दूसरा कदम गुलाम बनना. So you think, well, slave is the lowest. और आप सोच सकते हैं कि गुलाम. No, there's still one lower than that. लेकिन गुलाम से भी एक निचली एक कक्षा है. And what is that? और वो क्या है? A criminal who does not deserve to live. But must be hanged or killed. और उसके भी नीचे का स्तर है एक अपराधी जो हमेशा उसके अपराधों के कारण क्रूस पर चढ़ाया जाने के योग्य. And that was his third step. और ये तीसरा कदम है. He became a man. पहला मनुष्य. Then he became like a slave. और फिर गुलाम. See, here is a proof of his becoming a slave. और गुलाम बनने का ये उसका साबित ये है. In those days. उन दिनों में. All the people, they never wore shoes and socks like us. और हमारे समान वो हमारे जैसे जूते और सॉक्स हम पहनते हैं वैसे वो पहनते नहीं थे. They'd wear chappals. वो चप्पल पहनते थे. And the roads were not tarred roads like this. और हमारे समान एक अच्छे रोड नहीं होते थे. Dusty roads. और बहुत ही धूल से मिट्टी से भरे होते थे. Even if you walk half kilometer, your feet are all dirty. और अगर आप हाफ आधा किलोमीटर भी आप चलते हो आपके पैर गंदे हो जाते हैं. So in every house, इसलिए हर घर में, they would at the door they would have a basin of water. दरवाजे के ऊपर एक बर्तन रखा जाता था पानी का. A slave would be there. और वहाँ एक गुलाम होता था. As soon as a guest comes. और जैसे एक मेहमान वहाँ आता है. He will wash their feet. तो उसके पैरों को वो धोता है. So Jesus arranged a dinner in one house. और यीशु मसीह ने एक घर के अंदर एक भोजन का वहाँ प्रयोजन किया. For his 12 disciples. 12 शिष्यों के लिए. And the rich man would have kept a slave there. और वहाँ पर शायद एक धनी व्यक्ति होता तो गुलाम को रखता. So he told the he rented that house and he told the rich man, I don't want a slave there. और वहाँ पर उसने उस घर को किराए पे लिया. उसने शायद कहा होगा कि मुझे एक गुलाम की ज़रूरत नहीं. So he just keep the water there. और उसने कहा होगा कि वहाँ पे केवल पानी रख दो. So they all came. और वो सारे लोग. And they're all sitting, 12 of them at the table. और टेबल पे 12 लोग बैठे हुए हैं. And all their feet are dirty. उनके सारों के जो पैर हैं वो गंदे हैं. Now normally when they go to somebody's house, somebody is there to wash their feet. और साधारण रीति से जब वो किसी और के घर पे जाते कोई व्यक्ति वहाँ होता है उनके पैरों को धोने के लिए. Here nobody to wash their feet. लेकिन यहाँ कोई नहीं उनके पैर धोने के लिए. So all of them come one by one. और वहाँ एक के बाद एक आते हैं. They see this basin of water. और वहाँ पे वो पानी का बर्तन देखते हैं. Just ignore it and go and sit down. और उसको नजरअंदाज करके बैठ जाते हैं. Because they are not slaves. क्योंकि वो गुलाम नहीं हैं. And Jesus comes. और वहाँ यीशु मसीह आता है. You know what he does? और वो क्या करता है? He takes that basin of water. और वो पानी का वो बर्तन लेता है. And he starts washing the feet. और वो शिष्यों के पैरों को धोना आरंभ करता है. The others were big people. और दूसरे जो लोग बैठे वो बड़े लोग हैं. Matthew was a chartered accountant. He और मत्ती जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है. Educated man. और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति वो है. He said, I don't wash people's feet. और मैं लोगों के पैर नहीं धो सकता. And John, he was a relative of the high priest. He says, No, I don't wash people's feet. और यूहन्ना जो है महाजग का रिश्तेदार हो, मैं पैर नहीं धो सकता. Peter says, I am the leader. How can I wash anybody's feet? और पतरस कहता है, मैं तो एक बड़ा अगुवा हूँ, मैं कैसे लोगों के पैर धोऊं? Judas Iscariot was the only postgraduate. He also won't wash anybody's feet. और वहाँ पे यहूदा इस्करियोती बहुत ही postgraduate स्नातक था, वो कैसे पैर धो सकता है? Everybody is a big man. और वहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति बड़े हैं. Jesus said, I am the only one here who's a slave. और यीशु मसीह कहता है कि मैं ही फिर यहाँ पर एक गुलाम हूँ. So he took the bucket. और वो फिर वहाँ से वो बर्तन को उठाता है. That is how Jesus' attitude was. और इसी प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था. I have seen a few wonderful brothers and sisters like this. और मैंने इस प्रकार के बहुत कम भाई और बहन देखे हैं. Wonderful, godly. और बहुत ही ईश्वरीय भाई बहन. They don't think they are great. और वे अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते कि महान हैं. They are servants. और वो दास सोचते हैं. They are slaves. और गुलाम. They are not above anybody. और वो कहीं पर भी किसी के ऊपर नहीं है. The poorest of the poor, they are equal to them. और सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके समान वो हो जाते हैं. And then Jesus went one more step down. और उसके नीचे एक कदम और नीचे यीशु मसीह गया. Criminal. एक अपराधी की मौत. That's why he died. Just like people are hanged for worst crimes in the world today. और जैसे आज अपराध करने के बारे बहुत गुनाह करने के कारण को चढ़ाया जाता है क्रूस पर, वैसे उसने मौत को. In the court
Very few people are hanged. Most people they get life imprisonment. और कोर्ट के अंदर बहुत कम लोगों को फांसी की सजा मिलती है, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है। You read in the papers, very few people are hanged. और बहुत कम हम अखबारों में पढ़ते, बहुत कम लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। Many people are in prison for years. और बहुत सारे लोगों को बहुत सालों तक की सजा मिलती है कैद खाने में। Hanged is the, they call it the worst of the worst, rarest of rare crimes. कम से कम ऐसे जो सजा होती है, गुनाह होती है, जिसको ऐसी फांसी की सजा सुनाई जाती है। So nobody likes to be hanged. और किसी को भी फांसी पे चढ़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। Even those who are condemned to be hanged, they say, please convert it to life imprisonment. और बहुत जिसको वो फांसी की सजा मिलती है, वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे जीवन भर की मौत सुना दी, सजा सुना दी। To be hanged is such a terrible thing. और फांसी पर इस प्रकार चढ़ाना ये बहुत ही भयानक चीज है। You are advertising, this is the worst criminal of all. और आप इसको हर जगह पर बता रहे हैं कि ये सबसे बदतर और बुराई अपराधी है। See, even slaves were not crucified. और वहां पर गुलाम है, उनको भी क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता था। Only criminals. केवल जो अपराधी थे। Three steps. तीन स्तर। God became a man. परमेश्वर मनुष्य बना। He became a slave. वो गुलाम बना। And he didn't become a criminal. He took the level of a criminal. वो अपराधी नहीं था, लेकिन अपराधी का जो नाम जो था उसके ऊपर अपने ले लिया। So, these are the three secrets of the Christian life. और ये तीन रहस्य मसीह जीवन के हैं। Humility. नम्रता, humility, नम्रता, humility, और नम्रता। If you've learnt it, you've learnt everything. और आपने ये सीख लिया तो सब कुछ आपने सीख लिया। Living as Jesus lived. और आपने आपने यीशु मसीह ने कैसे जिया? Opposite of the way Satan went. और जैसे शैतान ने जीवन जिया, उसके विपरीत जिया। Satan wanted to go up, up, up. शैतान ऊपर और ऊपर जाना चाहता था। Satan came, Jesus came down, down, down. लेकिन यीशु मसीह नीचे, नीचे और नीचे आया। In the church, कलीसिया में, there are people, ऐसे लोग होते हैं, who are always seeking to go up. जो हमेशा ऊपर 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 जाना चाहते हैं। They want others to recognize them. और वे चाहते कि लोग उनको देखें या सराहें। I want you to see me as a spiritual man. और वे चाहते कि लोग उनको एक आत्मिक जन के समान देखें। Who are seeking position. और जो पद की खोज करते हैं। Authority. और अब ये अथॉरिटी की खोज करते हैं। More and more and more. और अधिक और अधिक। That is the way Satan goes. और इस प्रकार शैतान जाता है। But there are others in the church who are seeking to go down. लेकिन कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो और नीचे जाना चाहते हैं। What does God do to those who go down? और जो लोग नीचे जाते हैं, उनके साथ परमेश्वर क्या करता है? See, it says here, Philippians 2 verse 9. फिलिप्पी 2:9 वचन में कहता है, For this reason, God exalted him above everyone else. और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। You ask me, why was Jesus exalted to the highest place in the universe? और अगर यदि आप मुझे पूछे कि क्यों इस संसार के अंदर परमेश्वर को अति महान जगह पर ऊंचा किया गया? Once he was there. As the second person of the Trinity, equal with God. और एक बार त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति बनकर वो वहाँ पर था। That's why he was the highest person in the universe. इसलिए वो सारे संसार जगत भर में सबसे महान व्यक्ति वो था। Today, लेकिन आज, he is in the highest position because he humbled himself. और इसलिए उसने अपने आप को नम्र किया, इस कारण से वो महान व्यक्ति वहाँ पर। Have you seen these words, verse 9? For this reason. और नौ वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण। This is why God exalted him and given him a name which is above every name. Isi karan usko wo naam diya jo sab namon se shreshth naam hai. Why do Christians respect the name of the apostle Paul? Aur kyon aaj masih log Paulus ke naam ko aadar dete hain? For 2000 years godly Christians have respected the name of the apostle Paul. Aur 2000 saal tak logo ne Paulus jo hai uske naam ko aadar kiya hai. Did he seek to become famous in the world? और क्या उसने वो संसार में महान मशहूर होना चाहता था? No. नहीं। I believe it's the same reason. और वही कारण मैं जान पाता हूँ। That all his life Paul wanted to go down and down and down and down and down. और उसके जीवन भर पूरा जो पॉलस जो था नीचे नीचे और नीचे जाना चाहता था। God said, okay, I'm going to make people remember you for 2000 years. और परमेश्वर ने कहा कि ये बात ठीक है, मैं 2000 साल तक लोग तुझे याद करें ऐसा करूंगा। What about all the proud preachers who lived in Paul's time? और पौलुस के समय में जो घमंडी प्रचारक रहते उनका क्या हुआ? I don't know what their names are. और मैं नहीं जानता उनके नाम भी क्या थे। God has a way. परमेश्वर के पास तरीके हैं। Particularly in heaven. खासकर स्वर्ग में। Eternity. अनंत काल में। You'll see he exalts them. और आप देखेंगे कि परमेश्वर को उठाता है, जिन्होंने अपने आप को नम्र किया है। Now there are many other people like Paul
और ऐसे बहुत सारे पौलुस के समान लोग हैं whom we have not heard of, और जिनके बारे में हमने नहीं सुना, but one day in eternity, लेकिन एक दिन अनंत काल में we will see many godly men who we don't even know their names today, और बहुत सारे भक्तिमय लोगों को जिनके हम नाम तक नहीं जानते ऐसे देखेंगे, different countries, बहुत सारे अलग अलग देशों से होंगे, oh went on humbling themselves, और जो सारे लोग अपने आप को नम्र और दीन करते हुए नीचे और नीचे करते गए, did not follow the way of Satan but followed the way of Jesus, और उन्होंने शैतान के तरीकों का अनुसरण नहीं किया लेकिन यीशु मसीह का अनुसरण किया, God will exalt them for all eternity. और अनंत काल में परमेश्वर उनको ऊपर उठाएगा. They never got much fame on this earth. और इस संसार के अंदर ज़्यादा उनको प्रसिद्धि नहीं मिली. Maybe they were despised as false teachers and all types of names. और झूठे प्रचारकों के नाम से शायद उनको नीचा दिखाया गया होगा. And we will see them in eternity. और जब हम स्वर्ग में उनको अनंत काल में देखेंगे. That's the way. That is how what it means to live as Jesus lived. और इसका मतलब यही होता है कि यीशु मसीह के समान जीवन जीना. You know, it says here in verse 8. मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली. Even if he had died the way Paul died by his head being chopped off. और अगर वो पौलुस के समान उसका गला कटने के द्वारा मर गया होता. That could not happen because it says a bone of his will not be broken. वो ऐसा नहीं होता क्योंकि वचन में लिखा है उसकी हड्डी कोई भी तोड़ी नहीं जाएगी. But if he was killed with a bow and arrow. अगर उसको तीर से मारा गया होता. That would also be enough to die for our sins. और वो हमारे पापों के मरने के लिए पर्याप्त होता. There's no rule that he has to die like a thief. और ऐसा कोई कानून नहीं था कि चोर के समान उसको मरना चाहिए. That he has to be crucified. और उसको क्रूस पे ही मरना ऐसा कोई कानून नहीं था. He can die with a bow and arrow. और वो तीर से भी मारा जा सकता था. Or stabbed. और उसको चाकू से मार दिया जाता. Many ways Jesus could have died. और बहुत ही ऐसे तरीके थे जिससे वो मारा जा सकता था. Why he chose to die on a cross? और क्यों वो क्रूस के ऊपर मरने के लिए उसने चुना? See in the history of 6,000 years of human history. और मानव जाति के 6,000 साल के इतिहास को अगर हम देखें, the worst form of death. और सबसे बदतर मृत्यु का जो स्वरूप जो था, killing people is the crucifixion. और लोगों को मारने का वो क्रूस पर मारना था. Nowadays people, when they punish them with death, they kill them in more decent ways. और आजकल लोगों को जब मारते हैं, उनको मृत्यु की जो मारते हैं, उनको अच्छे तरीके से मारते हैं. In America, they inject some poison into the vein. और अमेरिका के अंदर उनके नस के अंदर कोई जहर दे दिया जाता है. In India, they hang them on a rope. और भारत के अंदर उस फांसी के फंदे पे उनको लटकाया जाता है. Nobody crucifies people today as a punishment. और आज के दौर में सजा के तौर समान उनको क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता. And for many centuries nobody did it. और बहुत सदी तक ऐसा नहीं किया किसी ने. The Romans were the first people to do it. लेकिन रोमी जो साम्राज्य था वे ही पहले थे ऐसा करने के लिए. When they really wanted to humiliate a person as the worst possible human being on earth, they crucified. और अगर वो किसी व्यक्ति को बहुत ही रीति से अपमानित करना चाहते थे, बहुत ही बुरी तरीके से उसको वो मौत इस प्रकार की मौत सुनाते थे. Jesus was coming from heaven to die for our sins. और यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे पापों के मरने के लिए आया. And I sometimes think. और मैं कई बार सोचता हूँ. That Jesus waited until man had discovered the most humiliating way to kill people, then he came. और जब तक कि मानव एक बहुत ही बदतर से बदतर अपमानित ऐसी क्रूस की सजा को नहीं खोज के निकालता, तब तक यीशु मसीह ने राह देखा. Many ways in 4,000 years that man decided to kill wicked criminals. और 4,000 साल तक शायद लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीकों से लोगों को मृत्यु देने को सोचा होगा. But finally they came up with the worst thing, crucifixion. और लेकिन उसके बाद वो एक अंतिम सजा सजा के अंदर आए जो है क्रूस पर चढ़ाना. And Jesus says, now it is time for me to go to the earth. तब यीशु ने सोचा कि अब मेरा समय है पृथ्वी पर जाने का. Because now I can be killed in a way that no other human being was ever killed. और अब मैं इस तरह से मारा जा सकता हूँ कि मनुष्य जाति में कोई भी मनुष्य इस प्रकार नहीं मारा जाएगा. And that's why he was born in a cow shed. और इसलिए वो चरनी के अंदर पैदा हुआ. You know, when we go to some place, we book hotel or some house well in advance. और जब हम कहीं पे जाते हैं पहले ही हम वहां होटल या किसी घर को बुकिंग करते हैं. Supposing you don't book in advance, you may not get a room. और अगर आपने बुकिंग एडवांस में नहीं किया हो तो शायद आपको वहां वो कमरा नहीं मिलेगा. How much time did Jesus have to book a room in Bethlehem? और यीशु मसीह के लिए वो कमरा बुकिंग करने के लिए कितना समय उसके पास था? 4000 years. 4000 साल थे. He couldn't have booked a room in 4000 years. और 4000 साल में क्या वो अपने आप के लिए कमरा किराए पे वहां बुक नहीं कर सकता था? Easy. बहुत आसानी से कर सकता था. But he did not want to be born in a room.
लेकिन वो उस कमरे में जन्म नहीं लेना चाहता था। Because he was coming underneath everybody to become the lowest and the humblest of all human beings। और वो सारे मनुष्य जाति में सबसे नीचे और नम्रता का स्थान लेना चाहता था। I have never in my life met anybody who was born in a cowshed। और मैंने कभी भी मेरे जीवन भर में कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो गौशाला या चरनी में जिसका जन्म हुआ हो। Not even the poor beggars in the street। और सड़क में पाया जाने वाला गरीब से गरीब भिखारी भी उस गौशाला चरनी में जन्म उसका नहीं हुआ है। You know, it could have been very easy for Joseph to book a room in an inn in Bethlehem. और बहुत ही आसान होता यूसुफ को वो सराय में अपने आप के कमरे को बुक करना वहाँ। He was from Bethlehem. He had relatives there. और वो बेथलेहम से था, उसके रिश्तेदार वहाँ थे। But God arranged things in such a way. लेकिन परमेश्वर ने परिस्थिति को इस प्रकार वहां पे आयोजित किया। It's very interesting to see how God arranges things. और बहुत ही दिलचस्प है इस चीज को देखना। I have to make sure that even if Joseph tries, he will not get a room there. और परमेश्वर ने सोचा कि मुझे निश्चय करना है कि अगर यूसुफ सोच भी ले, अगर प्रयत्न भी करे, फिर भी उसको एक भी कमरा ना मिले। So how does God do it? और ये कैसे करता है परमेश्वर? He makes Caesar in Rome. और जो सीजर जो है रोम के अंदर, order a census, you got to count all the people. और वहां पर वो एक 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 पत्र निकालता है कि वहां से हर एक का गिनती करना है। Even in India, they take census to count all the people in the country. और भारत देश के अंदर भी गिनती करना इस प्रकार से वो करते हैं। It has happened many times in the last 50-60 years. और पिछले सालों में बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। But the government of India does not say you must go back to your place where you were born before we take the census. और वहाँ पे गिनती करने के लिए भारत की सरकार ये नहीं कहती जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ आपको गिनती करवाने के लिए जाना होगा। I mean, that's a crazy rule. और ये बहुत ही पागल के समान एक कानून ये होगा। I was born in Chennai. और मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था। But I'm in Bangalore now. लेकिन मैं बैंगलोर में हूँ। If they take a census, why should I go to Chennai to be counted? I can be counted in Bangalore. और अगर गिनती होती है तो मुझे चेन्नई में क्यों जाना है? वो मेरी गिनती बैंगलोर में भी कर सकते हैं। So the government of India doesn't make any silly rules like this. और जो भारत सरकार ये ऐसी कोई कानून नहीं बनाएंगे। We count the people wherever you are. We count them. और जहाँ कहीं आप हैं वहाँ हम आपकी गिनती करेंगे। And that could have been done in Israel. और वो इसराइल में भी हो सकता था। We want to count the number of people wherever you are. We count you. लोगों की अगर गिनती करना जहाँ कहीं वे हैं वे हम वहाँ उनके हम गिनती कर सकते हैं। But God wanted to crowd Bethlehem with people. लेकिन परमेश्वर बेथलहम को पूरी तरह से लोगों से पूरी तरह से भीड़ में बदलना चाहता था। So that Joseph will not get a room. ताकि यूसुफ को कोई कमरा ना मिले। So he made Caesar pass a rule that all the people must go to their hometown to be. और कैसर ने इस प्रकार का कानून किया कि हर व्यक्ति अपने जो घर जो है वहां जाए वो। So it says there was no room in any hotel in Bethlehem. और बेथलहम के अंदर किसी होटल के अंदर कोई कमरा वहां उनके लिए नहीं था। And I think some kind man said, okay, in cowshed, if you want, you can go. और किसी दयावान व्यक्ति ने कहा होगा कि वहां मेरे गाय बैलों के लिए गौशाला बनाया, वहां पर आप जा सकते हैं। And it was time for Mary to deliver. और वहां पर मरियम का समय था कि उस बच्चे को वो जन्म दे। She must have gone many days on a donkey from Nazareth to. और नासरत से बेथलहम की तरफ बहुत दिनों तक उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर गई होगी। Sometimes we read it. She went from Nazareth to Bethlehem. और कई बार हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि वो नासरत से बेथलहम को गई। But when I read it, I imagine. लेकिन जब मैं उसे पढ़ता हूँ, मैं उसे कल्पना करता हूँ। I look at a map at the back of my Bible. और मेरे बाइबल के पीछे जो 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 मैप दिया है, उसको मैं देखता हूँ। How many days would it have taken from to go from Nazareth to Bethlehem? So many 120 kilometers. और 120 किलोमीटर, इतने किलोमीटर चलने के लिए नासरत से बेथलहम कितने दिन उनको लगे होंगे? How long does it take for a donkey to go slowly? और गधे को धीरे-धीरे जाने के लिए कितने दिन वहां लगे होंगे? Carrying a pregnant woman. एक जो गर्भधारण की उस स्त्री को लेकर जाने के लिए। That's how Mary traveled. और इसी प्रकार उसने सफर वहां किया। And as soon as she arrives, time to deliver. और जैसे ही वहां पहुंचती है बेथलहम, वहां उसका समय बच्चे जन्मने का हो जाता है। She was traveling the 5-6 days just before delivery. और कुछ दिन जहां उसके बच्चे जन्मने का समय था, वहीं उसके कुछ दिन पहले वो वहां सफर कर रही है। How God allowed his son परमेश्वर ने born in such humiliating circumstances. कैसे परमेश्वर ने अपने बच्चे से बेटे से इतना प्यार किया कि वो उस नम्रता के स्तर पर, उस अपमानित होने के स्थान पर उसको जन्म होने दे। बर्थ टू डेथ Jesus demonstrated humility. और यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने नम्रता को प्रदर्शित किया अपने जीवन से। I am lower than the lowest of human beings. और मनुष्य जाति में जो नीचे है, उससे भी मैं नीचा हूँ। We find Christians who are always trying to show that I am little higher class. और हम ऐसे एक मसीहों को देखते हैं जो अपने आप को उच्च स्तरीय मसीह दिखाने की कोशिश करते हैं। I come from a part of India called Kerala.
और मैं एक केरला जो भारत का एक भाग है ऐसे एक एक भाग से आता हूं। The Christians in Kerala are very proud of the family they come from। और मसीह जो वहां परिवार है मसीह वो बहुत ही अपने आप को घमंडी समझते कि कैसे परिवार से मैं आता हूं। They boast in their family name। और अपनी जो वंश जो है अपना परिवार उसमें घमंड करते हैं। I am from such and such a family with such a name। और मैं से फलाने फलाने घर से परिवार से कुटुंब से आता हूं। So when I meet people from Kerala, और जब मैं केरला से जो परिवार है उनसे मिलता हूं, they tell me which family they are from। और जो जब वो मुझे कहते कि कौन से परिवार से वो आते हैं, they ask me, brother Zach, which family are you from? और वो मुझसे पूछते, brother Zach, आप कौन से परिवार से आते हैं? I said, I am from the family that was kicked out of the Garden of Eden। और मैं उनसे कहता हूं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसको आदन की वाटिका से लात मारकर भगा दिया गया था। My family line comes from Adam। और मेरा जो वंश है जो मेरा जो कुटुंब है वो आदम के परिवार से आता है। Utterly sinful। पूरी तरह से पाप में। But Jesus loved me। लेकिन यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। I've got nothing else to boast about। और मेरे पास और कोई चीज नहीं है जिस पर मैं घमंड करूं। You know the stupid things even Christians boast about। और जो एकदम बहुत ही खोखली या बहुत ही मूर्खता भरी बात जो मसीह उस पर घमंड करते हैं। I remember once one brother told me। और एक भाई मुझे आकर इस प्रकार एक बार कहते हैं। Brother, God has blessed my son। और वो कहते कि भाई मेरे बेटे को परमेश्वर ने आशीष दी है। He is a grown up son। और एक बड़ा वो बेटा उनका था। उसे आशीष मिली। I said, you mean he's become more like Jesus? और मैंने उनको क्या वो यीशु के और समान बन गया है? No, he got a job in Dubai। और उसको दुबई में एक जॉब मिल गई है। That's what you call blessing? और क्या आप उसे आशीष कहते हैं? Christians, मसीह लोग, no understanding of blessing। और आशीष की कोई समझ उनके अंदर नहीं है। They think job in Dubai is a blessing। वे सोचते हैं कि दुबई के अंदर एक नौकरी मिलना आशीष है। There's only one blessing। एक ही आशीष है। That you became a little more like Jesus Christ। कि आप और अधिक यीशु मसीह के समान बन जाते हैं। I'm talking about the stupidity among Christians। हम मैं मसीह की जो मसीह लोगों की जो मूर्खता उसके बारे में बात करता हूं। Most people are like that। और बहुत अधिक सारे लोग ऐसे हैं। I don't blame them। लेकिन मैं उनको दोष नहीं लगाता। If all the children in a class got zero in mathematics in the final exam। अगर सारे वर्ग में बैठे हुए लोगों को गणित के अंदर शून्य मार्क अगर मिलते हैं, Where do you think the problem is? तो समस्या कहां पर है आप क्या सोचेंगे? Definitely with the teacher। और खासकर जो शिक्षक है उसी पे होगा। Otherwise, how can everybody get zero? और तो कैसे सारे बच्चों को कैसे शून्य मिल सकता है? So when I see so many Christians think like this, और जब मैं कहता हूं कि बहुत सारे मसीह इस प्रकार सोचते हैं, the fault is not with them, और समस्या उनके साथ नहीं है, it is with their pastors, और उनके जो पास्टर है उनके साथ समस्या है, who have not understood the way Jesus went, और क्योंकि वो नहीं समझते कि यीशु मसीह किस प्रकार नीचे गया, they themselves don't haven't understood it, वो खुद भी नहीं समझ पाए, they don't like to be called brother, और वे अपने आप को भाई ऐसे करके भी संबोधन नहीं चाहते। You call a pastor brother so and so। अगर किसी पास्टर को आप एक भाई कहके अगर संबोधित करें, say, I am pastor so and so, और वो कहेंगे मैं भाई नहीं मैं एक पास्टर हूं। It's amazing, people haven't seen the way Jesus went। और लोगों ने ये कहती कैसी बात है कि लोगों ने नहीं देखा यीशु मसीह कैसे नीचे गया है। They haven't even understood the meaning of the word brother। क्योंकि उसने भाई शब्द का अर्थ भी नहीं समझा है। I tell people, मैं लोगों से कहता हूँ, always call me brother Zach। मैं उनसे कहता हूँ मुझे हमेशा भाई Zach कहे। You know what that means? उसका मतलब क्या है? That means I am a younger brother of Jesus Christ। इसका मतलब मैं यीशु मसीह का छोटा भाई हूँ। Have you read that in scripture? क्या आपने वचन में इसको पढ़ा है? Romans 8 verse 29। रोमियो 8:29। That's a great title। ये बहुत ही बड़ा एक पद है। Younger brother of Jesus Christ। यीशु मसीह का छोटा भाई। Romans 8 verse 29। रोमियो 8:29 वचन। Those whom God foreknew, He predestined to become conformed to the image of His Son, so that Jesus might be the first of many brothers। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में होता कि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। He is the first among the eldest among many brothers। और वो सारे भाइयों के अंदर सबसे वडील या बड़ा है। I am one of those brothers। और उन भाइयों में मैं एक भाई हूँ। And Jesus called me a brother। और यीशु मसीह मुझे अपना भाई कहता है। In John chapter 20, यूहन्ना 20 अध्याय, at his resurrection, उसके पुनरुत्थान के बाद, He told Mary Magdalene at the tomb। वो कब्र पे मरियम मगदलीनी से इस प्रकार कहता है। He said in verse 17 of John 20। और यूहन्ना 20 उसका 17 वचन। In the middle, go to my brothers and tell them I am ascending to my father and your father। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। What did Jesus call his
disciples? और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कह के संबोधित किया? My brothers. मेरे भाइयों. 3 days earlier. 3 दिन पहले. At the last supper. अंतिम जो भोजन का समय जो था. You know what he called them? उसने उनको क्या कहा? John's Gospel chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय. Verse 15. वचन 15. He says, "Till now you are my servants." अब मैं तुमसे दास न कहूंगा. Now you are not my servant. You are my friend. अब क्योंकि तुम दास नहीं, लेकिन मैं तुम मेरे मित्र हो. So that was one step higher. उससे एक स्तर बढ़कर ऊपर है. You are servants. दास. Now I call you friends. अब मैं आपको मित्र कहता हूँ. 3 days later. 3 दिन के बाद. What does he call them? उनको क्या कहता है? My brothers. मेरे भाइयों. Brother of Jesus Christ. यीशु मसीह के भाई. And we see that in Romans 8:29. जैसे हमने रोमियो 8:29 के अंदर देखा. That's why we call each other brother, sister. इसलिए हम एक दूसरे को भाई या बहन कहते हैं. You're not my blood brother or sister. और आप खून के मेरे रिश्तेदार या भाई बहन नहीं हैं. But a much closer brother or sister. और लेकिन बहुत नजदीकी के भाई बहन हैं. A brother and sister of Jesus Christ. और यीशु मसीह के आप भाई और बहन हैं. That's how I'm related to you. और इसी प्रकार मैं अपने आप को इसको तुलना करता हूँ. And then. Don't give me low titles like reverend and pastor and all. That is too low. और ये pastor या reverend इस प्रकार के निचली कक्षा के पद मुझे ना दे. बहुत ही नीचा है ये. Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों. To live like Jesus is to understand the way Jesus went. और यीशु मसीह के समान जीवन जीना इसका मतलब कि यीशु मसीह के तरीके जिस प्रकार वो नीचे गया वो समझना है. Seek to go down. और नीचे जाने के लिए आप खोजे और नीचे और नीचे. Don't seek to go up and up. और ऊपर जाने के लिए ना खोजे. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, help us never to forget what you have taught us today. प्रभु आज जो आपने हमें सिखाया हम कभी भी ना भूलें. We pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन.